दोस्तों हम यहाँ कंप्रेसर के पीछे साइड आते हैं। अब यहाँ पर हम रिले और ओएलपी जो है उसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और ये है फ्रिज में जो लग रही थी 3 पिन टॉप, जिसे ये फ्रिज चल रही थी, हम उसको भी यहाँ पर रखते हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं कि आखिर फ्रिज में क्या प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण से जो फ्रिज है वो नहीं चल पा रही है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी बोर्ड से हम बढ़िया से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 पिन टॉप को लगाते हैं कंटिन्यूटी बोर्ड पर। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी को हम सबसे पहले चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी चालू है। अब इस तरफ हम देखते हैं ये एल वाली पॉइंट लिखी है, तो ये बिल्कुल फेस की पॉइंट है। इधर एक पॉइंट पे हम इस तरह से इसकी वायर को रखते हैं और इधर देखते हैं तो ये जो वायर आया है फ्रिज की टेम्परेचर कंट्रोलर थर्मोस्टेट से होकर, जो कि कंप्रेसर को पावर देना है। दोस्तों ये हमारी फ्रिज ओके है, हम इसको एग्जांपल लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी से, तो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है कंप्रेसर के लिए जो पावर दे रही होगी तो कंटिन्यूटी जो यहाँ पर जलेगा। लेकिन हम फिर अगर चेक करते हैं इसको कंटिन्यूटी से, तो अगर कंटिन्यूटी नहीं चलेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये जो वायर टेम्परेचर कंट्रोलर थर्मोस्टेट से होकर कंप्रेसर को पावर देने के लिए आया है वो फॉल्ट है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम इस पर हो गई है, इसलिए फ्रिज जो नहीं चल रही। अब दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं यहाँ से इस तरफ, तो ये वायर है न्यूट्रल की और ये जो पॉइंट है न्यूट्रल की, तो इसमें हम टच करके देखते हैं अगर ये कंटिन्यूटी से जल रही है तो इसकी जो वायरिंग है फ्रिज की वो कंप्लीट ठीक ठाक है। और कंटिन्यूटी इसमें अगर मान लो नहीं जलती है तो इसकी जो वायरिंग की प्रॉब्लम है ये हमें पता चल जाएगा। तो हम इसकी वायरिंग को चेक करेंगे। ये है फ्रिज की कंप्रेसर में लगने वाली ओवरलोड कंट्रोलर। इसको कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पर हम एक वायर को रखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि कंप्रेसर की जो पिन यहाँ पे लगता है, तो हम दूसरी वायर को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कंटिन्यूटी जो है चल रही है, इसका मतलब ये ओवरलोड कंट्रोलर जो है बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम रिले ओएलपी को भी चेक कर सकते हैं। तो रिले ओएलपी की यहाँ पे राइट साइड पे पिन है, उसमें हम इस तरह से वायर को रखेंगे। रिले ओएलपी की दूसरी साइड पे देखते हैं, यहाँ पर जो पिन फंसती है कंप्रेसर की, हम उसमें वायर को इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल अच्छे से बता रही है। दोस्तों यहाँ पर रिले की दूसरी वाली कनेक्शन पे भी हम बिल्कुल इसी तरह से चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल अच्छे से बता रही है। अगर रिले ख़राब होगी तो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं जलेगी। इस तरह से हम रिले ओएलपी को चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये हमारी वीडियो आपको कैसा लगा हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।